भारत ने रूस के साथ S-400 की 5 रेजिमेंट का जो सौदा किया था उसकी पहली रेजिमेंट भारत पहुंच चुकी है ताकि पाकिस्तान और चीन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। अगले साल मई तक भारत को S-400 की दूसरी रेजिमेंट भी मिल जाएगी और ये दोनों रेजिमेंट LAC पर तैनात करने की योजना बनाई जा रही है। भारत को जिस सुरक्षा कवच का इंतजार काफी वक्त से था, रूस का वो ब्रह्मास्त्र S-400 अब भारत पहुंच चुका है। S-400 की पहली रेजिमेंट पहुंचने के साथ ही एयर डिफेंस के क्षेत्र में भारतीय सेनाओं का एक नया दौर शुरू हो रहा है। दुनिया के सबसे भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम में शुमार S-400 की पहली रेजिमेंट भारत पहुंच चुकी है। 2022 की शुरुआत में इसकी तैनाती भी कर दी जाएगी। रूस से S-400 की कुल 5 रेजिमेंट खरीदी गई है। अगले साल मई से पहले तक दूसरी रेजिमेंट आने की संभावना है। जी न्यूज पहला ऐसा चैनल है जिसने भारत के अभेद्य सुरक्षा कवच के बारे में आपको रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से रिपोर्ट दी थी, जहां पर इस अभेद्य सुरक्षा कवच का निर्माण किया गया है। भारत के लिए चीन और पाकिस्तान के हवाई हमलों से निपटने के लिए इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम की बहुत जरूरत है। चीन ने रूस से 2014 में ही S-400 का सौदा किया था और 2018 में उसने इन सिस्टमों को तैनात करना भी शुरू कर दिया था। साफ है, भारत को पाकिस्तान से ज्यादा खतरा चीन की तरफ से है। ऐसे में माना जा रहा है अगले साल तक भारत S-400 की दोनों रेजिमेंट्स को लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की सुरक्षा के लिए तैनात कर सकता है। भारत भी अब अपने सुरक्षा कवच को मजबूत कर रहा है। S-400 की पहली रेजिमेंट भारत पहुंच चुकी है और अब दुनिया के सबसे घातक और भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम यानी S-500 को हासिल करने की चर्चा भी शुरू हो गई है। कृष्ण मोहन मिश्रा मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। कृष्ण मोहन, चीन और पाकिस्तान से मिल रही चुनौती के बीच S-400 की पहली रेजिमेंट का भारत पहुंचना, ये भारत की ताकत में कितना इजाफा करेगा, कितना अहम है ये? देखिए, एयर डिफेंस एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है किसी भी डिफेंस के रिलेटेड मैटर्स में, और ख़ास तौर पर तब जब भारतीय वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट्स के स्क्वाड्रंस काफ़ी कम हो गए हैं, 30 से कम हो चुकी हैं। और इसी साल जब भारतीय वायुसेना अध्यक्ष ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अक्टूबर में, तो उन्होंने कहा था कि अगले 10 साल में 35 तक पहुँच पाएंगे, जबकि भारत को पाकिस्तान और चीन दोनों ही मोर्चों के लिए 42 फाइटर स्क्वाड्रंस की ज़रूरत है। यानी फाइटर स्क्वाड्रंस की कमी एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। इसीलिए भारत ने 2018 में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का सौदा किया था रूस के साथ। अमेरिका का बहुत दबाव था कि यह सौदा ना किया जाए, लेकिन उसके बाद भी भारत ने यह सौदा किया और बहुत कम वक्त में पहली रेजिमेंट भारत पहुंच चुकी है। अगर आपके पास फाइटर एयरक्राफ्ट्स कम हैं तो दुश्मन के किसी भी हवाई हमले से निपटने के लिए आपको बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत होती है। S-400 मिसाइल सिस्टम दुनिया का सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। एक रेजिमेंट में 8 लॉन्चर्स होते हैं और हर लॉन्चर में 4 मिसाइलें होती हैं, यानी एक रेजिमेंट में 32 मिसाइलें एक बार में फायर की जा सकती हैं। 2 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक की रेंज होती है। 600 किलोमीटर दूर से वो किसी भी टारगेट को ट्रैक करना शुरू कर देता है। वो टारगेट कोई भी हो सकता है, दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है, दुश्मन का एयरक्राफ्ट हो सकता है, दुश्मन की गाइडेड या क्रूज मिसाइल्स हो सकती हैं, यहाँ तक कि ड्रोन भी हो सकता है, जिसको 600 किलोमीटर दूर से ट्रैक करना शुरू कर देता है। और रेंज जो कि 2 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है, जैसे ही रेंज में आएगा वैसे ही ये मिसाइल फायर होगी और दुश्मन वो टारगेट जो है किसी भी स्थिति में बच नहीं सकता, वो हर स्थिति में तबाह हो जाएगा। ये अचूक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है क्योंकि इसका जो कंट्रोल सिस्टम है, रडार है, वो जैम प्रूफ है। यानी दुश्मन अगर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल करके इसको जैम करने की, नाकारा करने की कोशिश करता है इसके रडार को, रडार ही दरअसल आंखें और दिमाग होता है किसी भी सिस्टम का, तो रडार को जैम नहीं किया जा सकता है किसी भी तरीके से। यानी ये सिस्टम जो है इम्पैकेबल है, इसको भेदा नहीं जा सकता, अभेद्य है। ट्रकों के ऊपर ये माउंट होता है, ट्रक अगर चल रहे हो, मार्चिंग स्थिति में हो, उस समय भी अगर सिग्नल मिलता है तो 10 से 15 मिनट के अंदर ये जो सिस्टम है वो लगाया जा सकता है
और ये एक्शन में लाया जा सकता है। और अगर ये सिस्टम लगा हुआ है तो सिर्फ 3 मिनट चाहिए होते हैं इसको एक्शन में आने के लिए और दुश्मन बहुत तेजी के साथ एक्शन में आ सकता है। और एयर डिफेंस के लिहाज से देखें तो ये दुनिया की सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।